खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुंबई के गोरेगांव में दर्दनाक हादसा, 1.5 साल का बच्चा नाले में बहा, सीसीटीवी फुटेज से हादसे का पता चला। मुंबई के गोरेगांव में नाले में बहे 1.5 साल के बच्चे को ढूंढने में जुटी पुलिस, लेकिन बच्चे का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से हुई 3 बच्चों की मौत। प्रयागराज में 2 दिनों की बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। भारी बारिश से यूपी के भदोही का हाल बेहाल, कोतवाली समेत कई इलाकों में पानी भरा। यूपी के प्रतापगढ़ में बारिश ने खोली नगर पालिका की तैयारियों की पोल, कई इलाकों में पानी भरने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। यूपी के फतेहपुर में घरों में भरा बारिश का पानी, सड़कें तालाब में तब्दील हुई। यूपी के आगरा में बारिश के बाद पानी भरने से तालाब में तब्दील हुआ स्कूल, 10 दिन से स्कूल में पढ़ाई ठप। यूपी के सिद्धार्थनगर में मंडी में बारिश के बाद पानी भरा, पानी भरने से मंडी में नहीं जा पा रहे किसान, व्यापार बंद। यूपी के बहराइच में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी, तेज हवाओं के चलने से सड़कों पर पेड़ भी गिरे। एमपी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में पुल न होने की वजह से नाव में बैठकर नर्मदा नदी पार कर रहे हैं लोग। पटना में बारिश के बाद गंगा नदी का पानी बढ़ा, पीपा पुल टूटा, पुल टूटने से पानी में बही पियागो गाड़ी, गाड़ी पर सवार 3 लोग बाल बाल बचे। एमपी के छतरपुर में लगातार हो रही है तेज बारिश के बाद पानी घरों में घुसा, परेशान लोगों ने बाल्टियों की मदद से निकाला पानी। एमपी के दमोह में लगातार हो रही बारिश के बाद गांव के किनारे बने कई पुल डूबे, प्रशासन ने जगह जगह आपदा टीम को तैनात किया। गुवाहाटी के पास दीपरबिल इलाके में लैंडस्लाइड से मकान तबाह, परिवार के लोगों ने किसी तरह से बचाई जान, एक शख्स के सिर पर आई चोट। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुई लैंडस्लाइड, कई मकानों को नुकसान। मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स इलाके में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक में सरकार पर संकट गहराया, कांग्रेस के 2 विधायक के सुधाकर और एमटीबी नागराज ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस जेडीएस को मिलाकर इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 16 हुई। कांग्रेस विधायक के सुधाकर के इस्तीफे के बाद कर्नाटक विधानसभा से आई लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर, कांग्रेस के नेताओं ने के सुधाकर को कमरे में बंद किया, हाथापाई भी हुई। विधानसभा में विधायक से मारपीट को बीजेपी ने लोकतंत्र का काला दिन बताया, कांग्रेस पर अपनी पार्टी के विधायक से भी मारपीट का आरोप। कर्नाटक में सरकार गिरना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि बागी विधायक किसी भी सूरत में अपने कदम से पीछे नहीं हटने को तैयार। मुंबई में कांग्रेस के बागी विधायकों को मनाने पहुंचे डीके शिवकुमार बेंगलुरु वापस आए, होटल में हंगामे के बाद शिवकुमार को हिरासत में लिया गया था, बाद में मुंबई पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया। कर्नाटक में सरकार बचाने की कवायद में जुटे सीएम कुमारस्वामी ने सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इससे पहले उन्होंने एचडी देवेगौड़ा से बातचीत की। गोवा में कांग्रेस का गेम ओवर, नेता विपक्ष समेत 10 विधायक बीजेपी में शामिल, प्रदेश में पार्टी के 15 विधायक थे। गोवा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 10 विधायक आज दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस के 10 विधायक बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी ने कोई खरीद फरोख्त नहीं की है। गोवा में नेता विपक्ष रहे चंद्रकांत कावलेकर की एबीपी न्यूज से बातचीत, कहा पार्टी के लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं कांग्रेस नेता, विपक्ष में रहकर क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता था। 1 हफ्ते में कांग्रेस नए अध्यक्ष पर करेगी फैसला, सहमति बनाकर कार्यसमिति की बैठक करने का प्लान, राहुल ने दिया है इस्तीफा। अमेठी में कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले राहुल गांधी, हार के लिए कमजोर संगठन को जिम्मेदार बताया। अमेठी में राहुल गांधी बोले, मैं वायनाड का एमपी हूं, अमेठी आता रहूंगा, अब अमेठी में करूंगा विपक्ष का काम। अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया। पिस्टल से खेलने वाले उत्तराखंड के विवादित बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन पर सख्त एक्शन, बीजेपी ने स्थायी रूप से निलंबित किया, नशे में होने की सफाई दी थी। यूपी में खनन और चीनी मिल घोटाले में सीबीआई के छापों के बाद योगी सरकार की कार्रवाई, 3 आरोपी अफसरों को पद से हटाया गया। यूपी के खनन घोटाले में सीबीआई ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मुख्य आरोपी बनाया, बुलंदशहर के डीएम अभय कुमार समेत कई अफसर भी आरोपी बनाए गए। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मामले में बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर हमला, कहा मनोज तिवारी की याददाश्त कमजोर, नाचने गाने वालों के बीच इतना रहते हैं कि भूल जाते हैं।
सरकार ने भारत विरोधी अभियान चलाने वाले अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस को 5 साल के लिए बैन किया, सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। कश्मीर घाटी में आतंकी कमर तोड़ने के लिए सरकार का नया कदम, पंचायतों को मजबूत कर रही है सरकार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2100 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगी सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने बच्चों के यौन शोषण केस में मृत्युदंड के प्रावधान को मंजूरी दी, कड़ा किया जाएगा पॉक्सो एक्ट। कोलकाता में टीवी एक्ट्रेस ने उबर ड्राइवर पर बदसलूकी और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। कोलकाता एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान के हाइड्रोलिक दरवाजे में फंसने से टेक्नीशियन की मौत। मुंबई के माटुंगा में बिल्डर की 15 मंजिला इमारत से गिरकर मौत, परिजनों ने खुदकुशी की आशंका जताई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार, बदमाश का एक साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बरेली से बीजेपी विधायक की बेटी ने दलित युवक से शादी के बाद जान का खतरा बताया, वीडियो जारी कर परिवार वालों से पीछा छोड़ने की अपील की। यूपी के बरेली से विधायक राजेश मिश्रा की बेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की मांग की, दलित युवक से शादी करने पर पिता और परिवार के लोगों से जान का खतरा बताया। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने मदरसे पर छापेमारी की, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए, 6 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी की इटावा जेल का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में जुआ खेलने के लिए सिपाही वसूली करते नजर आ रहे। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी नेता पंकज सिकरवार के भाई की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या का शक, आरोपी गिरफ्त से बाहर। बिहार के दानापुर में कोर्ट में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से एक सिपाही की मौत। दानापुर में अपराधियों ने पेशी के लिए कोर्ट आए अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया, हमले के बाद भी पुलिस ने कैदियों को फरार नहीं होने दिया। बिहार के गया में चैंबर की सीलिंग गिरने से बाल बाल बची, जिला परिषद अध्यक्ष। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत, बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के खुर्दा में उधारी के 3,000 रुपए न लौटाने पर एक महिला को 2 अन्य महिलाओं ने बिजली के खंभे से बांध कर पीटा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में रफ्तार का कहर, कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी और 2 बेटियों की मौत। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कार बेकाबू होकर तीस्ता नदी में पलटी, कार ड्राइवर समेत 3 लोग लापता। केरल के वायनाड में कर्ज के डूबे 55 साल के किसान ने जहर खाकर जान दी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से सांसद। यूपी के कन्नौज के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर न होने के चलते घायल मरीजों को साइकिल और बाइक से ले जाया जा रहा है अस्पताल। तेलंगाना के सूर्यापेट में 18 साल के जिंदा लड़के को डॉक्टरों ने किया ब्रेन डेड घोषित, अंतिम संस्कार के कुछ देर पहले ही मां को बेटे के जिंदा होने का पता लगा। गिर के जंगलों में सैटेलाइट के जरिए शेरों पर नजर रखी जाएगी, शेरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में 3 हाथियों की अचानक हुई मौत, स्थानीय लोगों का आरोप करंट लगने से हाथियों की मौत हुई। यूपी के बरेली में महिला थाने में तैनात सिपाही पूजा सक्सेना ने जीता मिसेस इंडिया का खिताब, शादी के पहले भी कई प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। केन्या सरकार में सांसद रिचर्ड टोंगी 30 सालों बाद 200 रुपए वापस करने के लिए आए महाराष्ट्र के औरंगाबाद, रिचर्ड ने अपनी पढ़ाई के दौरान औरंगाबाद के एक परिवार से पैसे उधार लिए थे। विश्व कप जीतने का टीम इंडिया का सपना टूटा, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 18 रनों से हराया, विश्व कप से हुई छुट्टी। न्यूजीलैंड ने 240 रनों का लक्ष्य दिया था, 221 पर भारत की पूरी टीम आउट हुई, न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा। भारत की बैटिंग फेल, रोहित विराट और राहुल सिर्फ 1-1 रन बना सके, सिर्फ धोनी और जडेजा बना पाए अब तक। 49वें ओवर में धोनी का रनआउट हो रहा मैच का टर्निंग प्वाइंट, धोनी जब 50 रन बनाकर आउट हुए तो भारत को 11 गेंद में 25 रन चाहिए थे। भारत ने एक समय 24 रन पर 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ 59 गेंद में 77 रन बनाकर जीत की उम्मीद जगाई, लेकिन 48वें ओवर में वो आउट हो गए। विश्व कप जीतने का सपना टूटने पर बोले कप्तान विराट कोहली, कहा न्यूजीलैंड हमसे बेहतर खेली, बैटिंग फ्लॉप रहने से हुई हार। विराट कोहली ने मैच के बाद हार पर कहा कि 45 मिनट के खराब क्रिकेट ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, गेंदबाजों ने अच्छा काम किया था। विराट कोहली ने कहा रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी साझेदारी की, धोनी का रनआउट होना मैच का टर्निंग प्वाइंट रहा, हालांकि हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया। मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट ने भारत की पारी तहस नहस की, हेनरी 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने, बोल्ट ने 2 और सेंटनर ने 2 विकेट लिए।
न्यूजीलैंड ने कल 211 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था। वो 50 ओवर में 239 रन बना सकी। रॉस टेलर ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। भारत ने अच्छी गेंदबाजी की। भुवनेश्वर ने 3 विकेट जबकि बुमराह, हार्दिक और जडेजा ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार को निराशाजनक बताया। मोदी ने ट्वीट किया, टीम इंडिया के जुझारूपन को देखकर अच्छा लगा। जीत हार लगी रहती है, हमें टीम इंडिया पर गर्व है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेला। आज दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत। जीतने वाली टीम न्यूजीलैंड से फाइनल में भिड़ेगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डूबे बच्चे का शव बहता हुआ जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पहुंचा। परिवार ने भारत से शव लौटाने की अपील की। भारत ने बच्चे का शव लौटाने के लिए सहमति जताई। पाकिस्तानी प्रशासन ने भारत को शुक्रिया कहा। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में बारिश और तूफान के बाद सड़कों पर तैरती हुई दिखाई दी कार। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से बड़े नुकसान की आशंका। इटली में टेनिस बॉल के आकार के ओले गिरे, 18 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इटली में ओले गिरने के बाद कई दफ्तरों के खिड़की दरवाजों के कांच भी टूटे। बारिश के बाद पानी दफ्तरों में भरा। इटली के जंगलों में फैली आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। लगातार जंगलों में हवाई जहाज की मदद से बरसाया जा रहा है पानी। दक्षिण क्रोएशिया में आए तूफान के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तेज बारिश के बाद पर्यटन स्थलों में भरा पानी। सीरिया में हुए हमले में 7 लोगों की हुई मौत। मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।